A country which is obsessed with cricket and luck factor, here comes a film that talks about both, but not enough. हाय, मैं हूं विवेक और मैं शेयर करूंगा आपसे अपना एक्सपीरियंस इस हफ्ते की रिलीज द जोया फैक्टर के बारे में, जिसके लीड रोल्स में हैं सोनम कपूर एंड दुलकर सलमान, हमारे कड़क फिल्म रिव्यू सेक्शन में। द जोया फैक्टर अनुजा चौहान की लिखी बुक जोया फैक्टर पर बेस्ड है। ये कहानी एक लड़की जोया की है जो लकीली उसी दिन पैदा हुई जिस दिन इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, और इसी बात पर उसके पिता प्लेड बाय संजय कपूर ने उसे क्रिकेट के लिए एक लकी मैस्कॉट मान लिया। हालांकि जोया अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत लकी नहीं मानती। शी इज स्ट्रगलिंग विद हर लव लाइफ, स्ट्रगलिंग विद हर जॉब, हर बॉस एंड सो ऑन। इस दुनिया में मुझसे अनलकी कोई है ही नहीं। माय लव लाइफ सक्स। जोया, आई वांट टू ब्रेक अप विद यू। माय प्रोफेशनल लाइफ सक्स। यू आर फायर्ड। व्हाट? अब यहां एक ऐसा सिनेरियो आता है जब जोया के इस लक की कहानी इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच जाती है, और वो अपनी स्ट्रगल करती फॉर्म के चलते चाहते हैं कि जोया उनका लकी चार्म बन जाए। मेरे डैड को लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए बहुत लकी हूँ। I was born the day India won its World Cup, 25th June 1983। लेकिन टीम के कैप्टन प्लेड बाय दुलकर सलमान चाहते हैं कि टीम अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा करे, ना कि लक पर। The more you practice, the luckier you get. Fair enough conflict. फिल्म का पहला हिस्सा इंटरेस्टिंगली इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एस्टैब्लिश करता है, और आप वेट करते हैं कि सेकंड हाफ में इनका कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रेजोल्यूशन निकलेगा। लेकिन क्रिकेट की तरह इस स्टोरी में कुछ ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता। जो भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब मैंने जोया फैक्टर बुक नहीं पढ़ी है, इसलिए सोर्स मटेरियल पर कमेंट नहीं कर सकता, बट ऐसा लगता है कि पूरे सेकंड हाफ में बस प्लॉट पॉइंट्स डिसाइड किए गए और राइटर्स ने बस यही कोशिश की कि फिल्म में किसी तरह उन्हें अचीव किया जाए, लेकिन सब कुछ बहुत सरफेस लेवल पर रह गया। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म तेरे बिन लादेन से बहुत प्रॉमिसिंग एंट्री मारी थी, बट उसके बाद की उनकी कोई फिल्म बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रही है। फिल्म क्रिकेट के अराउंड है, और आजकल के ज़माने में जहां लोग क्रिकेट को पर सेकंड के हिसाब से जीते हैं, जोया फैक्टर में क्रिकेट की दुनिया में सबसे रियलिस्टिक सिर्फ एड फिल्म के शूट लगते हैं जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्म में किलो के भाव से डाले हैं। कपिल पाजी के बॉयज ने वर्ल्ड कप तो उठाया, लेकिन इस जीत का असली क्रेडिट इन बॉयज को नहीं बल्कि एक नन्ही सी बच्ची जोया को जाता है, जिसके पैदा होते ही इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। फिल्म में पूरे समय आप रियलिटी और फिक्शन के बीच जूझते नजर आते हैं, जैसे कि आपको ये बात हजम नहीं होती कि एक लड़की जिसका मुंबई में एक ऐसा घर है जिसके आगे पर्सनल लॉन है, श्रीलंका के 5-स्टार होटल को देखकर इतनी एक्साइटेड कैसे हो सकती है। खैर, आप ये सब बातें भुला भी देते अगर स्टोरी आपको ये सब सोचने का मौका नहीं देती, बट क्रिकेट के मैच की तरह फिल्म के हर सीन में चौके छक्के नहीं लग पाते। वैसे डायरेक्टर शायद ये भी भूल गए कि क्रिकेट के मैच में भी हर शॉट पे चौके छक्के नहीं लगते। सोनम कपूर प्लेज येट अनदर सिली ओवर टॉकेटिव गर्ल जिसकी फैमिली हमेशा की तरह सुपर कूल है। जोया सोलंकी फ्रॉम AWB। थोड़े पटाखे बचा के रखो, कल जब हम जीत जाएंगे काम आएंगे। हाँ, मेरे जो डैड है ना, पिछले एक साल से पटाखे बचा के रखे उन्होंने, पर फोड़ने का चांस ही नहीं मिल रहा। और ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत के बाद बस फैमिली के कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए और सोनम को उसी के सेट पर एक्स्ट्रा पेजेस ऑफ स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई, कॉल्ड द जोया फैक्टर। ऑन द कॉन्ट्ररी, हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू कर रहे दुलकर ने काफी कन्विंसिंग काम किया है। उनकी और सोनम की केमिस्ट्री काफी अच्छी जमती नजर आती है। अंगद बेदी, हु सीम्स टू बी अ लकी मैस्कॉट फॉर एवरी क्रिकेट रिलेटेड फिक्शन दैट हिंदी फिक्शन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, अपने नेगेटिव रोल में ठीक ठाक नजर आते हैं।